भाई अपनी रेड गाड़ी यहाँ पे रेडी है, वैलेंटाइन डे भाई बना रहा है एकदम लालम लाल टिप टॉप हो गए। आज ईद है। हेलो हेलो गाइस, ईद मुबारक। ईद मुबारक। हम लोग बाहर खड़े थे, वो देख रहे थे इसका खाते ऐसे खा रहा था, वो भी इसकी गर्लफ्रेंड के साथ ही घूम रहा था। इस खास मौके पे मैं अरबाज के लिए एक गाना आज ईद है, ईद मुबारक आप सभी लोगों को। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, हेलो एवरीवन, इट्स मी अब्बास एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AH Vlogs। आज ईद है और आज ईद है, कैसा लग रहा है आपका भाई ईद में? माशाल्लाह। तो अभी हम जा रहे हैं एक्चुअली नमाज के लिए, वक्त हो चुका है नमाज का, नमाज पढ़ के आ जाते हैं और फिर करते हैं अच्छे से ईद मुबारक सभी लोगों के साथ। और देखिये तो अरमान भी अभी रेडी हो चुका है यहाँ पे, माशाल्लाह। पापा भी यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। मम्मी अस्सलाम। तो अभी ईद के लिए अब जा रहे हैं नमाज के लिए और नमाज पढ़ लेते हैं, उसके बाद में आके मिलते हैं अच्छे से, है कि नहीं? तो चलते हैं, लेट हो चुके, फटफट चलते हैं नमाज के लिए, उसके बाद मिलते हैं आप लोग। जी पहुंच चुके हैं अभी मस्जिद के यहाँ पे, अरमान ये लोग भी आ चुके हैं यहाँ पे, अरमान समीर। तो चलते हैं नमाज पढ़ने जाते हैं। सो जी 9 बजे की अभी नमाज है, सो अभी उसके लिए वेट कर रहे हैं, नमाज हो जाएगा उसके बाद में चलता है। तो सीन हो गया जी, एक्चुअली नमाज जो थी वो आखिरी नमाज थी वहाँ पर और हम लोग पहुँच गए थोड़ा लेट, अभी जा रहे हैं दूसरी मस्जिद में ये नमाज़ पढ़ लें। चलो यार दूसरी मस्जिद जा रहे हैं अभी। तो जी मोहम्मदी मस्जिद में आ चुके हैं यहाँ पे नमाज के लिए, तो ये आखिर यहाँ पे हमारी नमाज है चौथी नमाज, तो अभी यहाँ पे नमाज पढ़ लेते हैं उसके बाद में मिलते हैं। A few inches later. सभी को ईद मुबारक, हम सभी फैमिली की तरफ से, हमारी फैमिली की तरफ से ले ओ जी। फाइनली आ चुके हैं घर पे ईद की नमाज के बाद, भाई शीर खोरमा खा रहे हैं हम यहाँ पर, शीर खोरमा मजा आ गया। सो शीर खोरमा खा रहे हैं और इसके बाद बिरयानी की बारी आने वाली है। A few inches later. So जी अपने पगड़ी चेंज हो गई है और अपना बेडशीट भी चेंज हो गया है। पूछा मैंने कुछ? आज सभी लोग आने वाले हैं घर पे, तो थोड़ा अपना घर को एकदम चमका देते अपने चेहरे के जैसे, है कि नहीं? तो समीर अभी सब आया हुआ है घर पे, शेर खोरमा खाए कि नहीं? नहीं खाना हमने तो खा लिया है, अभी चलते हैं गाइस। और हमारे घर पे भी बहुत सारे लोग आने वाले हैं, अपने दोस्त यार लोग आने वाले हैं, तो अभी बस सबको कॉन्टेक्ट करते हैं और सबको बुलाते हैं घर पे। आज तो पूरे दिन यही लगने वाला है कि मतलब मेहमान मेहमान मेहमान, तो वैसे ही आज का दिन जाने वाला है। और थोड़े बहुत जो भी अपने खास लोग हैं उनको आज ब्लॉग में लेंगे सबको। क्यों इतना आलसी ऐसे कर रहा है? चुप कर बे कुत्ते, रोजा लग गया तेरे को? रोजा अरमान दो पैक के बाद ये आया घर पे, बोलते मेरे को प्यास लग रहा है। मैं बोला पूरा एक महीना रोजा रखा तू, आज तेरे को प्यास लग रहा है? और वैसे भी भाई साहब शहरी में खाता था और डायरेक्ट सो के इफ्तारी में उठता था। बाप रे ये तो धोती खोल रहा है। नहीं यार लेकिन माशाल्लाह पूरा रोजा रखा है मेरे भाई ने, 30 का 30 रहता है। और ये देखो पप्पा ने रात को मैं सोया था तो क्या बना दिया मेरे हाथ में, चांद तारे। अच्छा वो कुछ और नहीं बना दिया, फिर मारने का है चांद ऐसे बनाते हैं, सुना तो था ऐसे। अस्सलामुअलैकुम, मॉर्निंग से आज चालू हो जाएंगे सब आना। तो आज सबसे पहले आए हमारे वकील अंकल और उनके बेटे, हाय कैसे हो?
हेलो हेलो हाय। सो ये है हमारे सेकंड गेस्ट जो आने था और बाकी और भी आ रहे हैं धीरे धीरे करके, तो सबका वीडियो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके निकाल के हाँ ये सब आए हैं। ईद मुबारक आप सभी लोगों को। अपनी रेड गाड़ी तो भाई अपनी रेड गाड़ी यहाँ पे रेडी है, वैलेंटाइन डे भाई बना रहा है एकदम लालम लाल टिप टॉप हो गए, आज ईद है लाल है लाल है लाल है। सो गाइस मजाक कर रहा है, अपनी गाड़ी नहीं है लेकिन इंशाल्लाह अपनी गाड़ी भी आने वाली है बहुत जल्दी। दुआएं करिए और सब्सक्राइब करिए, सबसे बड़ा तो सब्सक्राइबर अपने, तो वो दुआ करेंगे तो बहुत बहुत कुछ मिल जाएगा अल्लाह के पास, है कि नहीं। तो जी अभी बस आया हुआ था यहाँ पे नीचे और मैं बोला चलो यार थोड़ा बहुत फोटो शोटो खिंचवा लेते हैं, फोटो शोटो हम खिंचवा रहे थे। ये हमारा आउटलुक है, यू कैन सी दिस इज माई आउटलुक एंड इनसाइड लुक मैं दिखा नहीं सकता आपको, टाइम लगेगा थोड़ा अभी प्रोग्रेस। बस ये है हमारा आउटलुक और कैसे लग रहा हूँ बताना। बहुत धूप है आज ऐसे तो, और हम यहाँ पे धूप सेकने आए हुए हैं, मजाक कर रहा है, फोटो तो खिंचवाने आया, जैसे मैं आपको बताया था मैं फोटो खिंचवाने आया यहाँ पे, और बस हमने कुछ फोटोज खींचे अच्छे खासे, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो आपके भाई को, बस यार बाकी तो समझदार कर लो। तो अभी चलते गए, अभी थोड़े टाइम में बहुत लोग आने वाले हैं और कुछ कुछ लोगों को मैं आप लोगों से मिलाता हूँ अपने ब्लॉग में। चलो जी साले का खोपड़ी तोड़। सो यहाँ पर आ चुके हैं हरमान के फ्रेंड्स, हाय हेलो हेलो ईद मुबारक। तो हमारे मुबारक सबको, हमारे हरमान के फ्रेंड है और ये बचपन के चिंटू मिंटू वाले फ्रेंड बड़े हो चुके हैं। तो और ये सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूल। हाय हाय तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। चलो चलो ठीक है, ईद मुबारक। चल तू क्या तू 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 चल। अबे साले A few moments later. हेलो आंटी, नहीं यार हाँ तो ये तो रखना पड़ेगा ना, सब आया कि नहीं, तू आया ना, तूने कितना खाया वो रिकॉर्ड करना पड़ेगा जरूर। हेलो यहाँ पर आ चुके हैं हमारे साज भट्ट और हमारे सारे यारो हैं, क्या हाल है इंट्रोड्यूस करवा दिया। और ये पंचम भट्ट गिटारिस्ट यार हमारा भाई है, और यहाँ पर और एक इधर एक ही है पीछे भी है भाई लोग। यस ब्रो ईद में आए, मेरे मेरे सब अपने यार लोग आए ईद में, थैंक यू सो मच भाई लोग। अरे नहीं भाई आ नहीं है, हर साल हम लोग साथ में मनाते तो ऑफ कोर्स भाई इस साल तो लास्ट ईयर के ब्लॉग में तो दिखे नहीं भाई, पकड़ लिया साले। लास्ट ईयर के ब्लॉग में ना ये लोग को मैं बुलाया था बट आए नहीं, बहुत नाराज था लेकिन इस बार आ गए। झूठ बोलता है अकेले गर्लफ्रेंड के साथ था। पूछा मैंने कुछ, हम लोग बाहर खड़े थे ऐसे मुंह देख रहे थे इसका खाते हुए, ऐसे खा रहा था वो भी इसकी गर्लफ्रेंड के साथ ही घूम रहा था। सो ओ नो वही अपन मीम डालेंगे। सो बताओ यार हम लोग इनके पिछवाड़े पकड़ के फाड़ दूंगा, इनके पेटों में डाल के हाथ छीड़ दूंगा, इनके इनकी हथेलियां खींच लूंगा। कबीर है चुप कर। मुबारक हो, ईद मुबारक हो गाइस। आज का बंद कर बंद कर। कबे हुआ है
नहीं रे, वो आत्महत्या नहीं करेगी। तुम लोग ऐसे हंस रहे हो वैसे, हंसी खुशी जाएगी। तो गाइस यहाँ पे सभी लोग आए हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं और ईद मना रहे हैं। ईद के खुशी में क्या ही बोलूं मैं, शायरी बोल के दिखाई, शायरी बोलूं मैं। चल आज एक भोजन, नहीं मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का। से देखा मैंने तुझको शायरी आ गई है। मैं शायर तो नहीं आया, हल्की सी बरसात आ गई। हाँ भाई, अरे यार 100 मिलियन पार हो चुका है तो हमारे भाई का सॉन्ग 100 मिलियन पार हो चुका है। थैंक यू सो मच, ले दो वीडियो। तो हमारे भाई का 100 मिलियन पार हो चुका है गाना। सब लोग प्यार कर लो यार, अभी बस बिरयानी पार्टी करनी है क्योंकि अल्लाह का करम है, बिरयानी गरम है, बिरयानी गरम है। खत्म करते ये सब बकवास, इसके लिए किया ना ताकि तू सोच पाए। मार साले का खोपड़ी तोड़ बोलते हो, बहुत मार खाओगे। वो ईद मुबारक हो, हंसी खुशी अपने फैमिली के साथ ईद मनाओ गाइस, और खुश रहो, प्यार बांटो और यारों के साथ, अपना बिरयानी भी बांटो, नॉन वेज बांटो, वेज बांटो, वेज बांटो, ये क्या बात, कुरमा भी होना चाहिए साथ में तो मजा आएगा। तो हम लोग को बुलाओ, हम लोग आएंगे खाने के लिए। लाइफ में तीखे के साथ में थोड़ा सा मीठा भी होना चाहिए, तो स्वाद में मीठे के साथ तीखा भी होना चाहिए। तो देखिए दे दो इसको, मीठा चाहिए तीखा चाहिए, कमेंट करके बता दो कि क्या चाहिए। 1000 सब्सक्राइबर और एक्स्ट्रा हो गए तो अरबाज भाई की तरफ से पार्टी पार्टी सारे सब्सक्राइबर। अरे मुझसे तो पूछ लेते पहले ही सब बोलने से, ठीक है ना दोस्त यार, ज्यादा है 1 मिलियन है ये हमको फेवरेट डोसा ही। अभी ये ब्लॉग के बाद, ये ब्लॉग किसने किया था, शादी कर रहे हैं फेमस होने के लिए। मैं तलाक कर लूंगा, मैं तलाक कर लूंगा भाई फेमस होने के लिए। भाई वो मोदी जी ने बंद कर दिया तलाक वाला, उन्होंने लेकिन इस खास मौके पर कुछ कहना चाहूंगा। इस खास मौके पे मैं अरबाज के लिए एक गाना मकसद पूरा हो गया बिरयानी साले, तुम लोग इतना प्ले कर दे रहे हो। A few moments later. चलो तो यहाँ पर अंकल ने सब ईद मुबारक में हमारे लिए केक वेक मंगा दिया। ईद मुबारक, ईद मुबारक सभी। कैसा लगा व्लॉग, मजा आया व्लॉग? मजा आया तो लाइक करने का, शेयर करने का और सब्सक्राइब करने का। इतना हिलम डिलम कर रहा हूँ मैं तुम्हारे लिए। वैसे ये ईद का व्लॉग था और जितने भी हमारे जो पहचान के जो भी हमारे चाहने वाले थे वो हमारे घर में आए थे, और जो नहीं आ पाया उसको सॉरी। इस व्लॉग को देखकर आप हमारे साथ ईद मना लीजिए। अगले ईद में इंशाल्लाह आप लोग के साथ शीर कोरमा खाएंगे, बिरयानी भी खाएंगे, सब कुछ करेंगे अपन। और मेरे सारे दोस्तों को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ जो भी मेरे दोस्त आए थे यहाँ पर, क्योंकि वो हमेशा मेरे साथ देते और हमेशा मेरे साथ रहते। और सारे लोगों को जो भी मेरे फैमिली में है, सभी लोगों को थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यहाँ तक देखा है इसका मतलब आपने मेरा व्लॉग कम्प्लीट किया है, सो थैंक यू सो मच। लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो और कमेंट भी कर दो, मुझे भी मजा आएगा और आप लोग को भी मजा आएगा व्लॉग देखने में। बात तो सही है। सो जी, और एक व्लॉग आने वाला है, इसके बाद वाला व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग है, वो मिस मत करना। वो वाला व्लॉग तो बिल्कुल देखना, बहुत मजेदार व्लॉग है। और हमारा भाई आम ब्रो, उसका भी म्यूजिक आने वाला है जो रिकॉर्ड कर रहा है।
ये है हमारा भाई आम ब्रो, इसका भी हमारा म्यूजिक आने वाला है तो वो भी मेहनत कर रहा है, उसको भी सब्सक्राइब कर लो और हमें भी सब्सक्राइब कर दो, भाई को भी सब्सक्राइब कर दो। सो जी, आपका भाई व्लॉग बना रहा है, सब्सक्राइब कर दो। 2K सब्सक्राइबर क्रॉस होने वाले, अगर जो लोग नहीं किए तो उनके टुई में ऐसा मारूंगा मैं। क्या कि सब्सक्राइब कर दो और सभी लोगों को शेयर कर दो, बच्चे बच्चे लोग सभी लोग सुनो, सब्सक्राइब कर दो। ओके ओके, थैंक यू। ठीक है जी, बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको पसंद आएगा व्लॉग, पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, सी यू सून, स्टे ट्यून, लव यू गाइस। मिलते हैं ऐसे ही नए व्लॉग में और अगले व्लॉग में। ये था हमारा ईद वाला व्लॉग, लव यू। तो जी, हम व्लॉग कर रहे थे और यहाँ पर देखो बच्चे लोग आ गए हैं हमारे घर पे। भैया को सब्सक्राइब करो और हमें भैया को लाइक भी करो। ऐ है भैया को सब्सक्राइब कर दो। भैया हमारे पे 400 रुपए दे रहा है। अरे ये व्लॉग में नहीं बोलना था, उन्होंने व्लॉग में बात बाद में पैसे दे दूंगा तुम्हारे, समझे, जाओ यहाँ से।